बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 1 है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, यूनिट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज़ हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अभी हम सीखेंगे। राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स सीखे थे, तो उसमें हम यहाँ पर जो है फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, फैक्टर्स के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम 2 के फैक्टर्स बनाएं तो वो जो है किसी भी सूरत में जो है वो हमारे पास उन 2 वैल्यूज़ को ऐड करने से 2x नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो a की इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की कीमत 1 निकल आई, b की कीमत 2 निकल आई, और c की कीमत माइनस 2 निकल आई। फार्मूला हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट में आ गया 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, और नीचे आ गया 2 इंटू 1, ए बी सी की वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट में 2 का स्क्वेयर 4 आ गया, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीपल किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 आ गया, और ओवर 2 है हमारे पास। ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो स्क्वेयर रूट में 12 आ गया, ओवर 2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने 12 के फैक्टर्स बना दिए, जब हमने 12 के फैक्टर्स बनाए 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ये 2 × 2 जो है ये जो है डबल वैल्यू जब होती है, पेयर होता है, तो वो वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, लिहाजा हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2√3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 जो है वो कॉमन आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये 2 जो है ये दोनों टर्म्स के नीचे है, ये पहली टर्म माइनस 2 है, दूसरी टर्म प्लस माइनस 2√3 है, तो ये सिंगल वैल्यू से हम इसको कट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो ये माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस √3 आ गया, और ओवर 2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर आंसर हमारे पास आ गया −1 ± √3। डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप ये स्टेप भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू −2/2 ±√3/2, यानी कि हम ये जो LCM है दोनों वैल्यूज़ के नीचे, तो इसको हम अलग-अलग वैल्यू के नीचे लिख सकते हैं, तो ये 2 2 से कैंसिल होकर आ गया −1, ये 2 2 से कैंसिल होकर आ गया ±√3। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया −1 ± √3। अब हम ये सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। 5x² इज इक्वल टू 15x। डियर स्टूडेंट, ये 15x को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आ गए, तो ये आ गया 5x² −15x इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है 5x कॉमन आ गया, तो ये आ गया 5x इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 5x कॉमन का मतलब ये है कि 5x पर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया है, जब 5x² को 5x पर डिवाइड किया तो खाली x आ गया, जब 15x को 5x पर डिवाइड किया तो माइनस का 3 आ गया हमारे पास। अब हमने 5x को 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास निकल आई 0, क्योंकि इसने आना था 0/5, तो वो भी 0 के इक्वल होता है। x माइनस 3 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो x की कीमत हमारे पास निकल आई 3। यूँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है 0 और 3। थर्ड पार्ट है हमारे पास राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स, हम LCM से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ का LCM आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो हमने लिखा x माइनस 4 इंटू x प्लस 4, ये पहले जो मर्जी फैक्टर लिख सकते हैं। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 4 जब 1 से मल्टीपल हुआ तो ये आ गया x प्लस 4, x माइनस 4 वाला फैक्टर कैंसिल हुआ तो ये x प्लस 4 वाला फैक्टर 1 से मल्टीपल हुआ तो आ गया x माइनस 4, दरमियान में चूँकि प्लस है इसलिए हमने प्लस लगा दिया, और इज इक्वल टू 3 है।
अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये नीचे डिवाइड हो रही हैं, तो ये थ्री के पास चली जाएंगी, तो ये थ्री के साथ जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये एक्स प्लस फोर चूँकि प्लस की अलामत है दरमियान में, इसलिए ब्रैकेटें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। अब ये फोर प्लस का है और ये फोर माइनस का है, जबकि इस तरफ गौर करें तो ये हमारे पास थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर आ गया। ये एक्स को एक्स में ऐड किया तो टू एक्स आ गया। अब यहाँ पर थ्री वैसे ही आ गया। ये दोनों जो हैं सेम वैल्यूज़ और एक के दरमियान में माइनस और एक के दरमियान में प्लस है, लिहाजा ये फार्मूला लगेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वेयर माइनस फोर का स्क्वेयर, तो ये टू एक्स इज इक्वल टू आ गया थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर का स्क्वेयर आ गया सिक्सटीन। थ्री को अंदर मल्टीपल कर दिया तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टी एट। अब ये जो टू एक्स है इसको भी हम लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का टू एक्स है उधर जाके माइनस का टू एक्स हो गया माइनस फोर्टी एट। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं बची तो ज़ीरो लगा दिया। अब इस ज़ीरो को हमने राइट साइड पे लिख दिया जबकि सारी वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड पर लिख दिया। जब सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लिखी जाए राइट लेफ्ट पे लिख दी जाए तो फिर अलामतों को चेंज नहीं करते। अब आप गौर करें तो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, फिर एक्स वाली, फिर कॉन्स्टेंट नंबर, फिर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनके नेम यहाँ पे लिखें। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये पार्ट नंबर फाइव है हमारे पास, सॉल्व टू एक्स माइनस वन व टू का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हमारे पास है नाइन बाय फोर। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं जो कि गलत है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा कंप्लीट हुआ हुआ है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स कर देना है। तो ये इस स्टेप के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो यहाँ पे तो इस तरह तो स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर और फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर और इसे ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है। तो डियर स्टूडेंट, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है कि प्लस माइनस सात हम लगाते हैं। अब ये आ गया टू एक्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री ओवर टू। ये माइनस का वन बाय टू है तो उस तरफ जाके प्लस का वन बाय टू आ गया, तो ये आ गया वन बाय टू प्लस माइनस थ्री बाय टू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक दफ़ा प्लस का लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस का लिख देंगे। तो हमने लिखा टू एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू प्लस थ्री ओवर टू, ये दोनों का डिनोमिनेटर टू है तो यही एलसीएम हो गया। तो ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी, जब सेम डिनोमिनेटर तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती हैं। तो वन प्लस थ्री आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो फोर आ गया, ये फोर बाय टू जो है वो टू के इक्वल हो गया। तो टू एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, ये टू एक्स के साथ मल्टीपल होते जाके डिवाइड करेगा तो ये टू बाय टू आ गया, टू को टू पर डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स की कीमत निकल आई वन। और में हम आ जाते हैं तो टू एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है यही एलसीएम हुआ। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही वैल्यू ऊपर वाली लिख दी जाती है, तो ये आ गया वन माइनस थ्री, वन में से थ्री माइनस किया तो माइनस का टू आ गया, टू को टू पर डिवाइड किया तो वन आ गया, चूँकि माइनस है तो माइनस वन आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की कीमत निकल आई माइनस वन बाय टू। यूँ हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है वन एंड माइनस वन बाय टू। अब हम सिक्स पार्ट की बात करते हैं, सॉल्व स्क्वायर रूट में है थ्री एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू है एक्स। हम जानते हैं अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट वाली हो तो उसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू हो तो स्क्वायर रूट लेते थे और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर लेंगे। तो हमने स्क्वायरिंग की बोथ साइड्स, तो इस तरफ स्क्वायर लिया और इस तरफ भी लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आ गया थ्री एक्स प्लस एटीन, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो राइट साइड पर आ गए, दोनों माइनस की हो गई,
तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस 18, और इस तरफ वैल्यू कोई नहीं है तो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को हमने राइट साइड पे लिख दिया, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, तो इनकी लामतें चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिखा जाए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे कम्प्लीटली लिखा जाए तो फिर साइन चेंज नहीं करते। अब आपने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, 18 के फैक्टर्स हमने बनाए, तो 6 3s are 18 हमारे पास ये फैक्टर्स बने थे। तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन आया तो ये आ गया x माइनस 6। तो एक दफ़ा आपने लिखा x माइनस 6 को और दूसरी दफ़ा आपने लिखा x प्लस 3 को, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, x की कीमत निकलाई 6, और x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की कीमत निकलाई हमारे पास माइनस 3, और यूँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 6 and -3। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लें।